अच्छा, 12वीं की अर्थशास्त्र की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। अपन बेटा मुद्रा पढ़ रहे थे, अध्याय 6 है ना। मुद्रा, मुद्रा का अर्थ कार्य और पूर्ति। तो आज बेटा अपन पढ़ेंगे मुद्रा में वैधानिक परिभाषाएं। तो वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत बेटा अपन पढ़ेंगे वैधानिक मुद्रा की वैधानिक परिभाषा क्या होती है। वैधानिक मतलब जो मुद्रा राज्य के सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब जो वैधानिक परिभाषा है वो राज्य के सिद्धांत पर आधारित है। इसके लिए वैधानिक इसलिए वैधानिक परिभाषा कहते हैं। सामान्य स्वीकृति और वर्णनात्मक परिभाषाओं के मतलब इसका ये है कि मुद्रा वैधानिक मान्यताओं का कोई महत्व नहीं दिया गया है। जो मुद्रा की परिभाषा है उसमें वैधानिक मान्यता को कोई महत्व नहीं दिया है, लेकिन आधुनिक युग में कोई भी वस्तु सरकारी स्वीकृति के बिना मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा है क्या? तो सबसे पहले लेंगे आप मुद्रा, वैधानिक दृष्टिकोण से भी मुद्रा की परिभाषा दी जाती है। मुद्रा की वैधानिक परिभाषा है बेटा, तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा है मुद्रा, मतलब जो मुद्रा है वो राज्य और सिद्धांत पर क्या है, आधारित होती है। इसलिए इनको वैधानिक परिभाषा भी कहते हैं। आधुनिक युग में कोई भी वस्तु सरकारी स्वीकृति के बिना, मतलब अब आप कोई भी वस्तु आप खरीदोगे तब तक आपके पास मुद्रा नहीं होगी, और सरकारी स्वीकृति नहीं होगी तो आपको इसे मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं की जाती। इसके बाद है बेटा मुद्रा जो है उसकी एक परिभाषा है। तो इसमें प्रतिपादकों ने मतलब जर्मनी के जो राइटर है, मतलब प्रोफेसर है नेप, उन्होंने नेप तथा ब्रिटिश अर्थशास्त्री हार्डले, ये दो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने वैधानिक परिभाषाएं, मुद्रा की वैधानिक परिभाषाएं दी हैं। तो उसमें कौन की नैप की परिभाषा है बेटा, तो वैधानिक दृष्टिकोण से मुद्रा की परिभाषा दी जाती है। वस्तु मुद्रा में मानी जा सकती है, मतलब देश में किसी प्रकार किसी भी देश में वस्तु मुद्रा मानी जा सकती है। सरकार ने मुद्रा घोषित किया, मतलब जब कोई सरकार, मतलब आप देखना नोट भी बिना सरकारी, भारत सरकार के द्वारा ही नोटों को क्या मिलती है, स्वीकृति मिलती है। उसके बाद है नैप ने अपनी परिभाषा दी है। तो कोई भी वस्तु, मतलब जो कोई भी वस्तु राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है बेटा? अगर पूछा जाए प्रश्न, 1 नंबर और 2 नंबर के जो प्रश्न होते हैं, अगर उसमें पूछा जाए कि वैधानिक परिभाषा दीजिए, तो आप एक नैप की परिभाषा, इजी है बेटा, सरल है, आप इसको याद कर लो, तो नैप की परिभाषा दीजिए। उसके बाद ही बेटा हार्डले ने भी एक अपनी परिभाषा दी है। हार्डले ने मुद्रा की परिभाषा दी है कि मुद्रा के विधिग्राह, मतलब जो मुद्रा है उसके विधिग्राह स्वीकार करने के साथ लेखे की इकाई को भी माना जाता है, जिसका अर्थ सभी प्रकार की कीमतों का हिसाब रखना होता है। वो सब हार्डले, इन्होंने ये एक जर्मन के ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने ये परिभाषा दी है। तो उन्होंने विधिग्राह स्वीकार किया है मुद्रा को, और साथ ही कहा है कि लेखे की इकाई को भी माना है, जिसका अर्थ सभी प्रकार की कीमतों, मतलब अपन कोई वस्तु की जब कीमत चुकाते हैं, मतलब हर वस्तु की कीमत होती है, तो उन्होंने इसे कीमतों का हिसाब रखा जाए। और फिर वर्तमान युग में मुद्रा का चलन कैसा है, मतलब मुद्रा का चलन आज की दृष्टिकोण से देखें तो बहुत है ना। मुद्रा नैप ने परिभाषा को उचित रूप से क्या किया है, प्रतीत किया है। और नैप ने कुछ आलोचनाएं भी, नैप की परिभाषाओं की कुछ आलोचना भी है बेटा। तो आलोचनाएं हैं वो ऐतिहासिक दृष्टि से नैप की परिभाषा कैसी है, तथ्यपूर्ण नहीं है, और उसे उन्होंने सामान्य द्वारा वस्तु को मुद्रा स्वीकार किया है और राज्य द्वारा घोषित नहीं किया गया है, यह आवश्यक नहीं।
के बाद आप पढ़ोगे उचित दृष्टि में आधुनिक विचार की परिभाषाएं। तो मुद्रा, क्योंकि मुद्रा का चलन सरकार का दायित्व है, मतलब जो मुद्रा का चलन है वो क्या किसका दायित्व है? सरकार, क्योंकि नोटों का निर्गमन मतलब कौन करता है? सरकार करती है। राज्य की सहमति मतलब राज्य की स्वीकृति समाप्त होते ही मुद्रा का महत्व क्या हो जाता है? कम। देखिए आप एक उदाहरण ही देख लो नोटबंदी का, है ना, जैसे ही घोषणा हुई कि इतने का नोट आज बंद, तो मतलब ये किसका दायित्व है? सरकार। सरकार के द्वारा ही नोट मतलब मुद्रा का चलन है, और अगर सरकार ने उसकी स्वीकृति समाप्त कर दी, जैसे 500 के नोट की उन्होंने स्वीकृति समाप्त की, है ना, तो अब वो चलन में नहीं है, वो नोट फिर चलन में नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सरकार ने क्या कर दिया है? निरस्त, उसकी जो स्वीकृति है वो समाप्त कर दी है, और मुद्रा का महत्व वहीं पर क्या होता है? समाप्त हो जाता है। फिर उचित दृष्टिकोण से अथवा आधुनिक विचारधारा की परिभाषा, तो प्रोफेसर मार्शल ने परिभाषा दी है, एक प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है, मार्शल की परिभाषा है, अति आधुनिक है बेटा वो परिभाषा, वो है कि मुद्रा उन सभी वस्तुओं का समावेश है, मतलब मुद्रा उन सभी वस्तुओं का समावेश है जो किसी समय या स्थान पर बिना किसी संदेह से और बिना किसी जांच पड़ताल से वस्तु और सेवाओं को खरीदने और भुगतान करने के लिए क्या है? साधन के रूप में स्वीकृत है। तो ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। तो मुद्रा उन सभी वस्तुओं का समावेश है, उन सभी समावेश है, मतलब आप मतलब मुद्रा से ही क्या कर सकते हैं? सभी वस्तुओं को खरीद सकते हैं, तब जो आप उनका हिसाब किताब बिना संदेह की कर सकते हो। तो उसके बाद बेटा है मुद्रा, मुद्रा के आर्थिक, मुद्रा के मतलब जो मुद्रा की परिभाषा है, मुद्रा का दृष्टिकोण है, तो मुद्रा का आर्थिक विकास कहाँ किससे संभव हुआ? सरकार के द्वारा। फिर प्रोफेसर चैटाला ने एक अनुसार मुद्रा की परिभाषा दी, उचित परिभाषा दी है, उन्होंने कहा कि मतलब मुद्रा किसी आर्थिक प्रणाली को मुद्रा का केवल मौलिक कार्य है, मतलब आर्थिक प्रणाली मतलब जो आर्थिक विकास होता है काय के माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से होता है। वस्तु तथा सेवाओं को सरल बनाना, आपके पास मुद्रा है तो आप किसी भी वस्तु को खरीद सकते हो, सेवाओं को सरल बना सकते हो। वास्तव में मुद्रा के लेन देन को इतना सरल बनाना है कि उत्पादन को जितना भी माल बने और नियमित रूप से उसको उपभोक्ता के पास पहुंच सके, मतलब जो भी उपभोक्ता अपन कोई वस्तु का उत्पादन करें तो वो नियमित रूप से उपभोक्ता मतलब आना और जाना दोनों, मतलब अगर आप उपभोक्ता के लिए वस्तु है तो उससे क्या बनेगी? आपकी जो क्रय शक्ति है वो क्रय जो है वो निरंतर क्या रहेगा? बना रहेगा। उसके बाद है बेटा कि यहाँ पर अति उदार दृष्टिकोण की परिभाषा भी दी है, वही दूसरी ओर हार्डले विदर्स और उसके बाद आदि वस्तुओं में मुद्रा का दर्जा कैसा है तैयार किया और मुद्रा का कार्य भी उन्होंने प्रतिपादित किया। तो मुद्रा के कार्यों का प्रतिपादन प्रोफेसर कीलर ने, भुगतान का क्रय निरंतर कैसा रहता है? चलता रहता है। इस प्रकार मुद्रा आधुनिक मुद्रा और वाणिज्य का कार्य भी करती है। प्रोफेसर कीलर ने मुद्रा के कार्य का क्या किया? प्रतिपादन किया और निम्नलिखित रूप से इसको क्या किया? प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, फिर दूसरा है मुद्रा का गौण या सहायक सहायक कार्य हो गया।
गया बेटा प्राथमिक काल, फिर दूसरा हो गया गौण और सहायक काल, और तीसरा होगा बेटा आकस्मिक काल। मुद्रा के या क्या देख रहे हो बेटा काल, तो तीसरा हो गया आकस्मिक काल, और चौथा आएगा बेटा अन्य काल। इस प्रकार कीलन ने निम्नलिखित रूप से चार कालों को क्या किया है, प्रस्तुत किया है। पहला है प्राथमिक काल, दूसरा है, अगर प्रश्न में पूछा जाए मुद्रा के कितने काल हैं तो आपको लिखना है मुद्रा के चार कार्य हैं। तो प्राथमिक काल पहला हो गया, प्राथमिक कार्य मतलब उसमें उसके माध्यम में आएगा बेटा विनिमय और मूल्य का मापन। उसके बाद हो गया बेटा सहायक कार्य, तो मुद्रा के गौण और सहायक कार्य हो गए दूसरे। तीसरा होगा आकस्मिक कार्य, मतलब मुद्रा कौन कौन से आकस्मिक रूप से उसका प्रयोग किया जा सकता है, और उसके बाद आएगा अन्य कार्य। तो एक परिभाषा है बेटा जो उन्होंने दी है, उचित परिभाषा है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसके विस्तृत रूप से विनिमय का माध्यम, विनिमय सबसे पहला विनिमय का माध्यम मतलब एक प्राथमिक कार्य हो गए, फिर मूल्य का मापक, ये एक प्रकार से मूल्य का मापक है, और ऋणों के अंतिम भुगतान तथा मूल्य के संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र और सामान्य रूप से इसको क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो ये मुद्रा के कार्य के अंतर्गत आ गया, एक परिभाषा के अंतर्गत इसमें आया बेटा, आपको बिल्कुल सरल परिभाषा है। मुद्रा की परिभाषा में अगर आप लिखना चाहो, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसमें विस्तृत रूप से विनिमय के माध्यम और मूल्य का मापन और ऋणों के अंतिम भुगतान के मूल्य के संचय के साधन के रूप में से सामान्य रूप से क्या किया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो सबसे पहले लेंगे बेटा प्राथमिक कार्य के अंतर्गत, तो सबसे पहले आएगा विनिमय का, ये प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आएगा बेटा सबसे पहले, पहला है इसमें विनिमय का माध्यम, ये हो गया आपका विनिमय का माध्यम। दूसरा है मूल्य वाहक, तो आपका मूल्यों का माप, मतलब मुद्रा से आप क्या कर पाएंगे, मूल्य मूल्यों मापक, मूल्य का मापक। तो ये सबसे पहले प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आपका ये आ गया, और इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे विनिमय का माध्यम और मूल्यों का मापक। तो विनिमय का माध्यम, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम, मतलब वस्तु के विनिमय, आप कोई भी वस्तु का सबसे पहले उत्पादन करोगे उसके लिए सबसे जरूरी है विनिमय। तो मुद्रा में विनिमय का माध्यम कार्य वस्तु के विनिमय और अर्थव्यवस्था की कठिनाइयों को समाप्त कर दिया, मतलब आप कोई भी वस्तु सबसे पहले उत्पादन करोगे फिर उसको बाजार में लाओगे तो वो विनिमय के लिए आएगा। तो ये हो गया आपका प्राथमिक कार्य का सबसे पहले विनिमय का माध्यम। तो मुद्रा के आविष्कार से विनिमय कैसा हुआ, सरल बना, और मुद्राओं और सेवाओं को क्या किया, विनिमय प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं सेवाओं में ना होकर मुद्रा के साधन में होता है। मुद्रा के कारण मनुष्यों को अलग अलग समय पर शक्ति पर और व्यक्तियों की खोज करने पर, मतलब जिस प्रकार उसकी आवश्यकता, मतलब वस्तुओं की जब अपन को आवश्यकताएं होती है तो अपन क्या देकर खरीदते, मुद्रा देकर खरीदते है ना। तो विनिमय के लिए जो वस्तु होगी तो अपन वस्तु को क्या करते हैं, स्वीकार करने के लिए क्या है, तैयार है। और सबसे पहले मनुष्य के पास फलतः मुद्रा का क्या होना चाहिए, मुद्रा के लिए विनिमय का बहुत महत्वपूर्ण और सरल और सहज बना दिया है, मतलब कोई भी वस्तु अपन विनिमय के माध्यम से ही।
बाद बेटा आपको, उसके बाद आपको मुद्रा के क्या कार्य, मतलब मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा का अर्थ, मतलब आपको प्रश्न पूछे जाए जैसे, तो आपको एक नंबर और दो नंबर के उसमें मुद्रा के क्या कार्य है तो आपको देखना पड़ेगा। पहले बेटा एक प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा की परिभाषा आपको और मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के कितने कार्य हैं आपको मैंने बताया, आपको एक मुद्रा की परिभाषा लिखनी है। बेटा दो दो नंबर के छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, मुद्रा के कितने प्रकार होते हैं, मुद्रा के मतलब कितने आधार पर परिभाषाएं दी गई हैं, तो प्राकृतिक आधार पर और विस्तार के आधार पर दो प्रकार से परिभाषाएं दी, तो आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो मुद्रा की परिभाषा बताइए और मुद्रा के प्रकार एवं कार्य को लिखिए। धन्यवाद बच्चों।